पिछली वीडियो में जैसे हमने आपको बताया है कि इथनो वेटरनरी के द्वारा कुछ बीमारियों का इलाज किस तरह से किया जाता है, ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम ऐसी ही आपको एक मैस्टाइटिस के बारे में इथनो वेटरनरी मेडिसिन के द्वारा कैसे इलाज किया जा सकता है, ये हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। मैस्टाइटिस यानी कि थनैला, ये होता क्या है? इसमें मेनली पशु के थनों में सूजन आ जाना, पशु के थनों से रक्त का गाढ़ा सराबका निकलना। अब हम बताएंगे आपको मैस्टाइटिस होता कैसे है, ये किस तरह से फैलता है। तो ये मेनली एक मैनेजमेंटल बीमारी है जो पशुओं के सही से रखरखाव ना करने के कारण ही फैलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इथनो वेटरनरी मेडिसिन के द्वारा मैस्टाइटिस का किस तरह से उपचार कर सकते हैं। हेलो वीरा, 250 ग्राम टर्मरिक, 50 ग्राम चूना, 5 से 10 ग्राम, इन सभी को हम मिलाकर एक मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे और उस पेस्ट को पीसने के बाद आवश्यकता के अनुसार पानी मिलाएंगे और हम इसको पूरे अडर पर दिन में 7 से 8 बार लगाना है। और इस एक विशेष बात का इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप पेस्ट को लगाएंगे तो हर बार ये फ्रेश पेस्ट ही बनाकर आपको लगाना है, कभी भी हम पुराना पेस्ट जो बच जाता है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अंत में मैं सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप भी देसी दवाइयों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा अपने पशुओं में करें और अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग ना करें, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भयंकर बीमारियों से बचा सकें।